बड़ा सवाल हमारे सामने है, कैसे जाने कि हमारे जीवन में परमात्मा भक्ति है या नहीं है। इतने सालों से परमात्मा के समीप जाते जाते, इतने सालों से परमात्मा के निकट जाते जाते, इतने सालों से परमात्मा से जुड़ते जुड़ते भी हमारे जीवन में परमात्मा भक्ति आई या ना आई, ये बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने है। और इसीलिए शास्त्रकार भगवंतों ने तीन चीजें बताई, यदि तीन चीजों का चेकिंग कर लो, यदि ये चेकिंग करते करते आपको पता चले कि ये चीजें आपके पास है, तो समझना कि आप परमात्मा से जुड़ पाए, तो समझना आपके जीवन में परमात्मा भक्ति है, तो समझना कि आपके हृदय में परमात्मा विराजित हुए हैं। और यदि तीन चीजें आपके जीवन में नहीं है, यदि ये तीन चीजें आपके पास नहीं है, तो समझना अभी तक आप परमात्मा से नहीं जुड़ पाए। कहा कि दो तरह के लोग संसार में, एक वो जो परमात्मा के भक्त है, एक वो जो साधारण और सामान्य इंसान है। दो तरह के लोग यह संसार में है, एक वो है जो परमात्मा के भक्त है और एक वो है जो साधारण इंसान है, जो नॉर्मल इंसान है, जिनके जीवन में परमात्मा से जुड़ाव नहीं है, जिनके जीवन में परमात्मा के साथ भक्ति नहीं है, जिनके जीवन में प्रभु के साथ एकाकारता नहीं आई है, जिनके हृदय में प्रभु ने वास नहीं किया है। ऐसे भी लोग यह संसार में अनेकों है। कहा कि दोनों की विचारधाराएं अलग अलग होती है, हमें चेक करना है कि हम परमात्मा के भक्त है या नहीं। इतने सालों से परमात्मा की भक्ति करने के बाद कभी तो बैठकर चेक करें कि हम परमात्मा के भक्त बन पाए या नहीं बन पाए। जो गुरु की रोज सेवा करते हैं, जो गुरु की रोज पूजा करते हैं, जो गुरु का रोज चरण स्पर्श करते हैं, वो गुरु के भक्त बन पाए या नहीं बन पाए। वो प्रभु के भक्त जो संखेश्वर पार्श्वनाथ प्रभु को जाकर के रोज पूजा करते हैं, रोज प्रभु जी की भक्ति करते हैं, रोज स्तवन गुनगुनाते हैं, रोज भक्ति गीत गाते हैं, वो परमात्मा के भक्त हम सही मायने में बन पाए या नहीं बन पाए, कभी हम भी तो चेक करें। कहा नंबर वन, मेरा कोई बुरा न करे। इस सामान्य इंसान सोचता है और मैं किसी का बुरा न करूं, ये परमात्मा भक्त सोचता है। समझना दोनों के बीच का डिफरेंस समझ लेना। नॉर्मल इंसान ये चाहता है कि मेरा कोई बुरा न करे संसार में, मेरा कोई बुरा न करे, और ये कदापि संभव नहीं हो सकता। आप चाहो कि आपका कोई बुरा ना करे संसार में, सब आपके लिए भले बन कर रहे, सब आपके लिए अच्छे बन कर रहे, सब आपको सहायक बने, ऐसा कभी भी हो नहीं सकता। कोई ना कोई हमारे लिए बुरा करता है। और इसलिए शास्त्रकार भगवंतों ने कहा कि समझ लेना, मेरा कोई बुरा ना करे ये सामान्य इंसान सोचता है, लेकिन परमात्मा का भक्त क्या सोचता है? परमात्मा का भक्त यह सोचता है, मैं किसी का बुरा ना करूं। परमात्मा के सामने जाकर के यही प्रार्थना गुनगुनाता है, यही प्रार्थना गाता है, यही प्रार्थना दोहराता है, परमात्मा के सामने जाकर के यही शब्दों का उच्चारण करता है, मैं किसी का बुरा ना करूं। प्रभु इतनी शक्ति देना जीवन में मेरे हाथों से किसी का बुरा ना हो जाए, कोई मेरा बुरा करे तो करे, लेकिन मेरे मन में ये भावना जगे, मेरे मन में ये गलत भावनाएं ना जगे कि मुझे किसी का बुरा करना है। ये पहला फर्क है सामान्य इंसान, साधारण इंसान और प्रभु भक्त के बीच का। आप चेक कर लेना अपने आप को कि हम परमात्मा भक्त बन पाए या नहीं बन पाए, या मात्र मंदिर चले जाते हैं, मात्र प्रभु के पास चले जाते हैं और ऐसे के ऐसे वापिस आ जाते हैं। एक बार जरूर चेक कर लेना, मेरा कोई बुरा ना करे। और आप देखना, साधारणतया संसार के ज्यादातर लोगों की भावना यही होती है कि मेरा कोई बुरा ना करे, मेरा कोई बुरा ना करे, यही भावना उनके मन में चलती रहती है। लेकिन परमात्मा भक्त अलग सोचता है, डिफरेंट सोचता है, हटके सोचता है। इसलिए परमात्मा भक्त यह कहता है कि मैं किसी का भी बुरा ना करूं, अच्छा कर पाऊं तो अच्छी बात है, किसी का भला कर पाऊं तो अच्छी बात है, किसी को सहायभूत बन पाऊं तो अच्छी बात है, किसी को हेल्पफुल बन जाऊं तो अच्छी बात है, लेकिन परमात्मा इतने आशीर्वाद तो जरूर देना कि बुरा तो मैं किसी का कभी ना करूं। दूसरा डिफरेंट, साधारण इंसान ये सोचता है कि मेरा कोई बुरा न बोले, और परमात्मा भक्त ये सोचता है कि मैं किसी का बुरा न बोलूं। समझना भक्ति हृदय में आई या नहीं आई, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारी लाइफ के लिए।
हम परमात्मा भक्त बन पाए या नहीं बन पाए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारी लाइफ के लिए है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, दूसरा डिफरेंस क्या साधारण इंसान और परमात्मा भक्त में दूसरा डिफरेंस क्या, साधारण इंसान ये सोचता है कि मेरा कोई बुरा न बोले तो अच्छा, और परमात्मा भक्त सोचता है मैं किसी का बुरा न बोलूं। और इसीलिए हमारे लिखा गया ना कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। बराबर समझना, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जब लग भीतर झांकिया तो मुझसे बुरा न कोई। क्यों सरस मजानी बात करी, तुम्हें विचार तो करो, परमात्मा जगत ने अंदर जो खराब जोवा जाऊ ने तो आ संसार नी अंदर कशुज खराब लागतु नथी। जारे मने पोताने जाऊ छे ने मारा पोतानी भीतर मा चाल्यो जाऊ छु, मारा पोताना अंतर मा चाल्यो जाऊ छु, त्यारे लागे छे कि आ जगत मा मारा करता खराब आ संसार मा कशुज नथी। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जब लग भीतर झांकिया मुझसे बुरा न कोई। कौन है मेरे से बुरा, कभी सोचो तो सही। कितने दोष हमारे भीतर पड़े हुए हैं, कितने दुर्गुण हमारे भीतर पड़े हुए हैं, कितनी गंदगी हमारे भीतर पड़ी हुई है, और फिर भी हम संसार में बुरा देखने के लिए निकलते हैं। अरे शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि समझ लेना, बुरा देखना है तो खुद के भीतर चला जा, तुझे पता चलेगा कि तेरे से बुरा यह संसार में कोई भी तो नहीं है, कोई भी नहीं है। और इसलिए कहा कि साधारण इंसान ये सोचता है कि मेरा कोई बुरा न बोले, और परमात्मा भक्त ये सोचता है कि मैं किसी का बुरा न बोलूं। प्रभु ध्यान रहे किसी के भी लिए बुरे शब्द बुरे वर्ड मेरे मुंह से न निकल जाए, प्रभु उसका आशीर्वाद देना। हमेशा ये जागृति मेरी बनी रहे कि मैं किसी के लिए बुरा तो नहीं बोलता ना, मैं किसी के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं करता ना, मैं किसी लिए गलत वर्ड यूज तो नहीं करता ना, मैं किसी के लिए गाली का इस्तेमाल तो नहीं करता ना। परमात्मा इतने आशीर्वाद देना कि जो शब्दों के द्वारा तेरी स्तुति करता हूं ना, वही शब्द गाली बनकर मेरे मुंह से ना निकले, इतने आशीर्वाद प्रभु से मांग लेना। जो शब्दों के द्वारा तेरी स्तवना या तेरी भक्ति गीत गाता हूं, वही शब्द किसी की निंदा बनकर मेरे मुंह से ना निकले, इतना आशीर्वाद देना। जो शब्दों के द्वारा तेरे सामने आकर के प्रार्थना करता हूं, वही शब्दों के द्वारा दूसरे किसी को दिल दुखाने का काम मेरे द्वारा न हो जाए, इतना आशीर्वाद दे देना। यह आशीर्वाद मांगना परमात्मा के सामने जाकर के, हे प्रभु तू ऐसा आशीर्वाद देना कि मैं किसी का बुरा न बोलूं, मेरे मुंह से किसी के लिए भी बुरे शब्द न निकले। इसलिए शास्त्रकार भगवत ने कहा, समझना तीन डिफरेंट, सामान्य इंसान और परमात्मा भक्त। शास्त्रों में कितनी गजब की बातें लिखी है कि हम अपने आप को चेक करें, हम अपने आप को देखें, हम कहां हैं। इतने सालों से धर्म करते करते आप जो भी धर्म को मानते हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं धर्म से जुड़े हुए हो। इतने सालों से धर्म करते करते हमारे जीवन में बदलाव क्या आया, हमारे जीवन में परिवर्तन क्या आया, हमने अपने आप को क्या बदला, एक बार जरूर चेक कर लेना। और इसीलिए कहा कि तीन डिफरेंट। सबसे पहला डिफरेंट, जो सामान्य इंसान ये सोचता है कि मेरा कोई बुरा न करे, और परमात्मा भक्त ये सोचता है कि मैं किसी का बुरा न करूं। दूसरा डिफरेंट, सामान्य इंसान ये सोचता है कि मेरा कोई बुरा न बोले, और परमात्मा भक्त ये सोचता है कि मैं किसी का बुरा न बोलूं। और तीसरा डिफरेंट, सामान्य इंसान ये सोचता है मुझे सभी अनुकूल हो जाए, और परमात्मा भक्त ये सोचता है मैं सभी को अनुकूल हो जाऊं। समझना कितनी बड़ी गजब की बात लिखी। हम जीवन भर यही कोशिश करते रहे कि बाकी सब मुझे अनुकूल रहे, मैं जैसा हूं वैसा लोग मुझे एक्सेप्ट कर ले, मेरे नेचर को लोग एक्सेप्ट कर ले, मेरे स्वभाव को लोग एक्सेप्ट कर ले, मेरी बोली को लोग एक्सेप्ट कर ले, मेरे बर्ताव को लोग एक्सेप्ट कर ले, मेरे शब्दों को लोग एक्सेप्ट कर ले। हम जीवन भर यही सोचते रहे कि मैं जैसा हूं लोग स्वीकार कर ले, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि जीवन का ये मार्ग नहीं है, जीवन का ये मार्ग है कि दूसरा जैसा है वैसा तू स्वीकार कर ले। लोग तुझे अनुकूल नहीं हो पाएंगे। हमारे सामने जो संसार रहा हुआ है उसमें 800 करोड़ लोग हैं, कितने हमको अनुकूल हो जाएंगे, कितने हमारे अनुरूप हो जाएंगे,
लेकिन शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि तू ये तय कर ले कि मैं सभी को अनुकूल हो जाऊंगा, तेरे जीवन का कल्याण हो जाए। हम जीवन भर यही कोशिश करते रहे कि सामने वाला मेरे अनुकूल रहे, सामने वाला मेरे अनुकूल रहे, लेकिन शास्त्रकार भगवंत कहते कि तू कोशिश अब आज से ये शुरू कर दे कि मैं सामने वाले को अनुकूल रहूं। मेरी अनुकूलता बाद में, सामने वाले की अनुकूलता पहले। जो धर्मी इंसान है ये सोचता है कि मैं सभी को अनुकूल हो जाऊं, मैं किसी को प्रतिकूल ना हो, लोग भले मेरे लिए प्रतिकूल हो लेकिन मैं सभी के लिए अनुकूल हो जाऊं। ये सोच किसकी होती है? धर्मी इंसान की सोच होती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जीवन में समझना, दूसरों को अनुकूल बनाने की चेष्टा मत करना। संसार आपके अनुकूल नहीं बनेगा, लेकिन आप अनुकूल बन जाओ, आपका जीवन निश्चित कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ जाए, आपका जीवन निश्चित बेहतर और अद्भुत बन जाएगा। एक बार बैठ करके सोच लेना, हम कहां पर हैं? इतनी परमात्मा भक्ति करने के बाद में हमको मिला क्या? हमने प्राप्त क्या किया? क्या हासिल किया? हमारी विचारधाराएं बदली या न बदली, हमारे शब्द बदले या न बदले, उसमें कोई बदलाव आया या ना आया, ये बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, देख लीजिएगा हमारी भावना क्या है। प्रेम, भक्ति, आराधना, प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की यूट्यूब चैनल को, और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।